Good morning student, welcome to the Rohila classes. Today we are going to study about coal and petroleum management. Coal and petroleum both are fossil fuel and important natural resources. They are used as a source of energy. We use coal in thermal power plant, industries. Due to coal, recycling of matter is possible. We can also make electricity from coal in thermal power plant. So management of coal and petroleum is very important. Coal is made due to degradation of biomass millions of years ago. It can be exhausted in future. This picture shows how coal is formed from the fossils. As they will exhaust it in the future, we need to conserve them. So we need to search an alternate source of energy. कोल और पेट्रोलियम जो है वो एक फॉसल फ्यूल है और वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा. कोयला अगले 200 साल में ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से और पेट्रोलियम अगले 40 साल में या उससे भी पहले ख़त्म हो जाएगा. तो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है तो हमें इनको बचाना होगा किसी भी तरह से. अब कोल हमारे तीन काम आता है जैसे तुम्हें पिक्चर में नज़र आ रहा है. पहला, कोल एक रिड्यूसिंग एजेंट है. दूसरा, इट्स बाय प्रोडक्ट इज ऑल्सो है 50% कार्बन. इसका जो बाय प्रोडक्ट है यानी इसको हम जलाएंगे तो उससे जो गैस निकलेगी वो उस गैस में भी 50% कार्बन है. यानी उस गैस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस गैस को भी हम जला सकते हैं, ठीक है. और इट इज यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी. ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज होता है. ऐसे पेट्रोलियम जो है वो ऑयल के फॉर्म में है और ये भी 100 से 200 मिलियन साल पहले बना था और ये सेडिमेंट्री रॉक्स उनके नीचे पाया जाता है. ओशन बेड में अधिकतर पेट्रोल मिलता है और ये भी हमारा फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा. हम इसको फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोकेमिकल्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं. अब हमें इनका कंजप्शन को कम करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो उठाने होंगे. तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे? तो पहला स्टेप्स है, एनर्जी मस्ट बी सेव लाइक स्विच ऑफ लाइट व्हेन नॉट इन यूज. यानी कि हमें अपनी लाइट्स को और फैंस को स्विच ऑफ करना होगा जब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. अब दूसरी चीज है, ट्राई टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एज इट प्रिपेयर फ्रॉम फॉसल फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट. ये जैसे दूसरा पॉइंट है, उसमें साफ क्लियर ही हो गया कि ये फॉसल फ्यूल से बनता है इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए अगर तुम लाइट बचा रहे हो तो इनडायरेक्टली तुम कोल एंड पेट्रोलियम को बचा रहे हो. तो लाइट बचाने के लिए हमारे पास क्या होगा कि हमें लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम करना है और उसकी जगह हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, ठीक है. और हमें पेपर को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है. यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ गैस स्टोव्स. हम जो गैस घर में जलाते हैं LPG, उसमें भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही यूज़ होता है तो हमें उसको भी सही क्वालिटी की अच्छी गैस होती है उसे ही जलाना चाहिए. ऐसा गैस स्टोव हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल का को यूज़ करें. और फिर इसके साथ ही हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें सोलर कुकर, इसका भी इस्तेमाल हमें कर लेना चाहिए. एक और चीज़ है कि हमें मोटरसाइकिल वगैरह कार वगैरह की जगह हमें बाइसाइकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम थोड़ी दूर के लिए चल रहे हैं तो. और अगर हम लंबी दूरी पे जा रहे हैं तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना पड़ेगा. जैसे कि हम ट्रेन में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं. तो ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक साथ दूसरी जगह पहुंचा दे. हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने से गैस बचती है. फिर इसके साथ साथ हमें फ्यूल एफिशिएंट इंजन यूज़ करना है, वो इंजन जो ईंधन कम खर्च करे. और अगर हम कहीं हम बहुत सारे लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो हमें कार को शेयर कर लेना चाहिए तो इससे भी हमारा पेट्रोल और डीजल बहुत बचेगा. फॉसिल फ्यूल्स का हम इस्तेमाल अगर ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है यानी हमारा वातावरण गंदा हो जाता है. कौन कौन सी गैसें हैं जो उसमें निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जो तो नॉन पॉइजनस गैस है, पानी भी निकलता है, वाटर भी निकलता है इसके अंदर. फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये दोनों निकलते हैं इसके अंदर. सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लंग्स पर अटैक करता है
और इसके कारण हमें ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है जो एक पॉइजनस गैस है, पॉइजनस एसिड है, और इससे क्या होता है ये पानी बरसात के पानी में मिलने के बाद एसिडेट बनाती है और इससे हमारे एक्वेटिक लाइफ, पेड़, बिल्डिंग्स ये सब डैमेज हो सकते हैं, मेटल भी डैमेज हो सकता है, ठीक है, संगमरमर जैसे ताजमहल भी एसिडेट के कारण ही डैमेज हो रहा है। जो सल्फर डाइऑक्साइड काम करती है वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काम करती है क्योंकि ये भी एक एसिडिक ही गैस है, इसमें भी ये भी हमारे लंग्स पे अटैक करती है, इससे भी ब्रोंकाइटिस होती है और इससे भी एसिडेट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब इनसफिशियंट बर्निंग होती है, मतलब ऑक्सीजन कम मात्रा में इस्तेमाल हो बर्निंग के समय, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। ये गैस बहुत खतरनाक होती है, अगर ज़्यादा अगर हमारे पास लंग्स में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो हमारी डेथ हो जाएगी, तो ये भी एक बहुत पॉइजनस गैस है। इसके बाद हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पॉइजनस गैस है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खतरनाक नहीं है, इस ये एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस होने से क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए हमें इन सब का इस्तेमाल ढंग से करना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मेन एम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन का मेन एम क्या होता है, तो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन का मेन एम है पहला तो है प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। तो अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है तो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज सो वी मे एक्सटिंक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएंगे तो हम भी नहीं बचेंगे क्योंकि हम पूरी तरह फॉरेस्ट पर डिपेंड हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें ऐसे सोर्स को सर्च करना होगा जो हमें फॉरेस्ट पर डिपेंड ना होने दें या कम से कम डिपेंड होने दें। इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन के 5 R का मतलब क्या होता है, 5 R कौन कौन से होते हैं। पहला R कहता है रिफ्यूज मतलब मना कर दो, रिड्यूस मतलब कम कर दो, रीयूज दोबारा इस्तेमाल करो, रीपर्पस उसका पर्पस ही बदल दो, और पांचवा होता है रिसाइकल। अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो कंजर्वेशन के 5 R तुम्हें पता चल ही चुके हैं। पहला R यानी रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब है मना कर दो। इफ यू डोंट नीड से नो टू दैट थिंग, अगर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है तो तुम उसको उसके लिए बिल्कुल साफ मना कर दो नो। रिफ्यूज टू बाय प्रोडक्ट हार्मफुल टू एनवायरमेंट, ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल मत खरीदो जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं। से नो टू कैरी बैग्स, प्लास्टिक बैग्स यानी कैरी बैग्स उनको भी मना कर दो। दूसरा है हमारा रिड्यूस यानी इस्तेमाल ही कम कर दो उसका, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ फैन एंड लाइट्स व्हेन नो नीड्स, रिपेयर लीकेज है टैप जो है उसका अगर लीकेज हो रहा है तो उसको ठीक कराओ, ठीक है। डू नॉट वेस्ट फूड, खाने को भी बर्बाद मत करो। इफ यू डोंट नीड, अगर तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है तुम्हारा पेट भर गया है, गिव इट टू नीडी, तो तुम्हें इसको उसको दे देना चाहिए जो जिसको इसकी जरूरत है। अब अगला आर जो आता है हमारा वो आता है रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल कर लो। तो यानी इसमें कहता है यूज अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, तुम किसी भी चीज को बार बार इस्तेमाल कर लो उसको फेंकने के बजाय, क्योंकि बार अगर तुमने उसको फेंक दिया तो जो रिसाइकल करने वाले होते हैं वो उसको ले जाकर मतलब उसको रिसाइकल करवा देते हैं और उसकी रिसाइकलिंग में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अगर तुम उसको किसी और चीज़ में तुम इस्तेमाल कर लोगे तो तुम्हारी नीड भी पूरी हो जाएगी और वो चीज़ दोबारा यूज़ हो जाएगी और एनर्जी भी बच जाएगी, तो इसलिए हमें उसको रीयूज़ कर लेना चाहिए इसके बजाय कि हम उसको रिसाइकल करें, ठीक है। तो जैसे कि हम एनवेलप है, एनवेलप जब हम पोस्ट कार्ड में एनवेलप लिख के भेजते हैं तो एक तरफ हमने एड्रेस लिख लेते हैं, तो जब एड्रेस लिखने के बाद जब वो पोस्ट कार्ड दूसरी तरफ पहुंच जाता है, लिफाफा दूसरी तरफ पहुंच जाता है एनवेलप, तो हम उसको लिफाफा को खोल कर उसको उल्टा कर लें, अब वो दोबारा यूज़ हो सकता है, तो इस तरह हम कागज बचा सकते हैं। ऐसी प्लास्टिक बोतल जैसे तुम्हें नज़र आ रहा है, इस प्लास्टिक की बोतल अगर तुम्हें कहीं मिलती है तो या तो उसको पानी की बोतल के रूप में इस्तेमाल कर लो उसका, या फिर उसकी जगह उसको किसी
दालें वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल कर लो या अचार वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल कर लो, तो ये भी कर सकते हैं। ऐसे अगर हम रिसाइकल करते हैं तो रिसाइकल करना भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि ज़मीन में जो चीज़ मिलती है वो प्लास्टिक प्लास्टिक के फॉर्म में नहीं मिलती, मेटल मेटल के फॉर्म में नहीं मिलता, ज़मीन के अंदर ये सारे के सारे मिट्टी के फॉर्म में मिलते हैं। अब हम उस मिट्टी को छान कर उससे हमें वो मेटल या वो एलिमेंट निकालना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, और जो हम प्रोडक्ट बन जाता है जैसे मेटल लोहा बन गया, तो उसमें वो जो प्रोसेस है जो उसको एक्सट्रैक्शन में हमने यूज़ किया वो सब नहीं होगा, यानी उसमें हमारे को बहुत कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारा काम है कि हम उसको रिसाइकल कर दें। तो अगर हम रिसाइकल कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी जो है हमें पैसे भी मिल जाएंगे और वो चीज़ हमारे देश के काम भी आ जाएगी। तो ये 5 R हैं, तो इन 5 R का ख्याल रखो और यही इस पूरे चैप्टर में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।